नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से आपको राजस्थान मौसम की एकदम सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। आगामी दिनों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अब दोस्तों आपको राजस्थान के कौन कौन से जिलों में तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर और दोस्तों कितने दिनों तक देखने को मिलेगा, कहां कहां पर दोस्तों हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार हैं और दोस्तों कहां कहां पर मध्यम से भारी बारिश आपको आगामी दिनों में देखने को मिलेगी, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में आपको कहां कहां पर किस तरह का मौसम राजस्थान के अधिकांश जिलों में देखने को मिला था। जैसा कि दोस्तों आपको पुरानी वीडियोज में अवगत कराया था, राजस्थान के अधिकांश जिलों का मौसम शुष्क सुहावना और साफ देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन दोस्तों आपको बीते 24 घंटे में देखने को मिली थी। सिर्फ दोस्तों तीन संभागों के इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर नजर आया। शेष राजस्थान के अधिकांश जिलों के तापमान में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला था। दोस्तों गंगानगर, झालावाड़, बांसवाड़ा और सवाईमाधोपुर में दोस्तों कुछ हिस्सों में 3 से लेकर 31 mm तक बारिश आपको बीते 24 घंटे में देखने को मिली। झालावाड़ के पिंडावा में 28 mm, झालारापाटन में 20, डग में 15, गंगानगर के हिंदूमलकोट में 31 और दोस्तों लालगढ़ जाटान में 13, सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में 14, बावनवास में 11, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में 6 mm बरसात आपको दोस्तों बीते 24 घंटे में देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों आपको कोटा संभाग, बीकानेर संभाग और उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर आंशिक रूप से बादल नजर आए थे बीते 24 घंटे में। दोस्तों अगर राजस्थान के टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम जिलों का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों आपको 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिला था। अजमेर में दोस्तों 35.5, भीलवाड़ा में 34.5, जयपुर में 36.3, पिलानी में 37.9, सीकर में 37, कोटा में 35.1, उदयपुर में 34.2, बाड़मेर में 36.2, जैसलमेर में 37, जोधपुर में 36.8, बीकानेर में 39.6, चूरू में 39.2, गंगानगर में 36.7, धौलपुर में 39, नागौर में 37.5, टोंक में 37, बारा में 37, चित्तौड़गढ़ में 35.6, हनुमानगढ़ में 37.6, जालौर में 37.5, सिरोही में 35, अलवर में 38, करौली में 38.5, बांसवाड़ा में 36.3, फलौदी में 38.4। तो दोस्तों आपको इस तरह से बीते 24 घंटे में राजस्थान के मैक्सिमम जिलों का तापमान देखने को मिला था। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक राजस्थान का मौसम किस तरह का देखने को मिल सकता है। 8 सितंबर को दोस्तों आपको उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और जोधपुर संभाग के इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपुट बारिश नजर आएगी। यहाँ पर दोस्तों लगातार आपको मानसून की एक्टिविटियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। गहरे काले बादलों की एंट्री भी दोस्तों इन तीनों संभागों में आपको लगातार देखने को मिलेगी। 10 सितंबर को दोस्तों राजस्थान के संपूर्ण जिलों का मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। कोटा और उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। जोधपुर संभाग में भी दोस्तों कई स्थानों पर गहरे काले बादलों की आपको एंट्री लगातार देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर दोस्तों आपको हल्के से मध्यम तो इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश का दौर जोधपुर संभाग में भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अजमेर संभाग में भी आपको भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा और हल्के से मध्यम बारिश का दौर आपको इक्का दुक्का स्थानों पर देखने को मिल सकता है। शेष स्थानों पर आपको अजमेर संभाग में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों भरतपुर संभाग, जयपुर और बीकानेर संभाग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश का दौर नजर आएगा और देर शाम तक दोस्तों 10 सितंबर को यहां पर भी मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और कई स्थानों पर दोस्तों यहां पर भी देर शाम तक 10 सितंबर को आपको भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं IMD की ऑफिशियल साइट पर, जहां से संपूर्ण न्यूज बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों कहां कहां पर किस तरह के अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने दर्शा दिए हैं और दोस्तों नए मानसूनी सिस्टम का ट्रैक किस तरह का बना हुआ है और कौन कौन से जिलों में इस नए मानसूनी सिस्टम की वजह से सर्वाधिक बारिश होने के आसार हैं। अब दोस्तों आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यहाँ पर बात करेंगे 9, 10 और 11 सितंबर के मौसम के बारे में। 9 सितंबर को अगर दोस्तों राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में बारिश का ग्रीन अलर्ट IMD ने दर्शाया है। कहीं पर भी दोस्तों भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है।
लेकिन दोस्तों आपको उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और दोस्तों भरतपुर संभाग के इक्का दुक्का जिलों में आपको हल्के से मध्यम तो दोस्तों कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी दौर देखने को मिलेगा। जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर और दोस्तों अजमेर संभाग, इन चारों संभागों में मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है। कहीं पर भी दोस्तों भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। उदयपुर संभाग में दोस्तों इक्का दुक्का स्थानों पर आपको भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा और दोस्तों इन संभागों में लगातार मानसून की एक्टिविटियों में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है और गहरे काले बादलों की एंट्री लगातार यहां पर देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहां पर 10 सितंबर के मौसम के बारे में। तो दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो राजस्थान की स्थिति को दोस्तों पूरी तरह से यहां पर बदल दिया गया है। संपूर्ण राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट IMD ने दर्शा दिया है। पूर्वी राजस्थान सहित दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के भी अधिकांश जिलों में यहां पर भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिलेगा। लगातार दोस्तों नए मानसूनी सिस्टम का ट्रैक आपको दोस्तों कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। इसका रुख दोस्तों उत्तरी भारत की ओर इस टाइम बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये जो हवाएं हैं कुछ इनका ट्रैक कुछ इस तरह का बना हुआ है और इधर से भी दोस्तों एक नया मानसूनी सिस्टम आगे बढ़ने के कारण आपको राजस्थान के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 10 सितंबर को दोस्तों आपको उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बीकानेर संभाग में भी दोस्तों कई स्थानों पर आंशिक रूप से बादलों की एंट्री आपको देखने को मिलेगी। 10 सितंबर दोस्तों दोपहर बाद से यहां पर मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। जयपुर और दोस्तों बीकानेर संभाग के अधिकांश जिलों में गहरे काले बादलों की एंट्री आपको देखने को मिलेगी और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर 10 सितंबर दोपहर बाद से ही इन दोनों संभागों में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर बात करते हैं 11 सितंबर के मौसम के बारे में। तो दोस्तों यहां पर भी संपूर्ण राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट IMD ने दर्शा दिया है और दोस्तों भारी बारिश की चेतावनी कई जिलों में जारी कर दी है। उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के कई स्थानों पर आपको बाढ़ जैसे हालात नजर आएंगे। जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग के भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों जयपुर और भरतपुर संभाग के भी कई स्थानों पर भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। बीकानेर संभाग के इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर नजर आएगा। तो दोस्तों फिलहाल तो इस मानसूनी सिस्टम का ट्रैक कुछ इस तरह का ही बना हुआ है। आगामी दिनों में अगर इसके ट्रैक में कोई चेंजिंग आएगी तो सबसे पहले आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत करा दिया जाएगा।